हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दो बैलों की कथा का सारांश। यह कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिमान माना जाता है, क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। वह सुख दुख तथा लाभ हानि दोनों में ही एक समान रहता है। भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ता था। गधे से थोड़ा ही कम सीमा प्राणी है बैल। उसका स्थान गधे से नीचा है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। जूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वह दोनों ही पछाही जाति के सुंदर सुडोल और चेकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वह हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते व खाते पीते थे। वह आपस में एक दूसरे को चाटकर तथा सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। जूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल यह समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वह जाना नहीं चाहते थे। जैसे तैसे वह जूरी के साले गया के साथ चले गए, किंतु उनका मन वहाँ नहीं लगा, अतः उन्होंने वहाँ चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप जूरी के घर की ओर चल दिए। सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देखकर जूरी बहुत खुश हुआ। घर तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। जूरी की पत्नी नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। जूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, किंतु मालकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने अपनी मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। गया ने उन्हें डंडे से मारा। उन्होंने हल जोत जुड़ा सब तोड़ दिया और भाग गए, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थी, इसलिए वह पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भोरों की नहीं लड़की दो रोटियां लेकर आई। वह उन्हें खाकर प्रसन्न हुए। लड़की की सौतेली माँ उसे बहुत परेशान करती थी। मोती के दिल में आया कि वह भैरों तथा उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का स्नेह देखकर चुप रह गया। अगली रात उन्होंने रस्सियां तुड़ाकर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमज़ोर करने के लिए वह उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी, किंतु फिर लड़की के स्नेह ने हीरा मोती को भागने से रोक दिया। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा भागो। लड़की की आवाज़ सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव के अन्य लोगों ने पीछा किया। इससे दोनों रास्ते भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वह खेत के किनारे पहुँचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। दोनों में खूब मटर खाई, मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों डर गए, समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें।
हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता है तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग अड़ा देता। सांड दो दो शत्रुओं से लड़ने का आदि नहीं था, अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में मटर खाने लगा। तब तक दो आदमी लाठी लेकर आए, उन्हें देखकर हीरा भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़कर कांजी होश में बंद कर दिया। कांजी होश में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला। वहाँ पहले से ही कई बकरियाँ, भैंसें, घोड़े तथा गायें थीं। सभी मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उसको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी में बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया कि यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आज़ाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर मोती में जोश आ गया। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए, गधे नहीं भागे। बोले, भागने का क्या फ़ायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। हीरा ने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। सुबह होते ही कांजी होश में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा, मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती को कांजी होश में बंद हुए एक सप्ताह हो गया था। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में एक बार केवल पानी मिलता था। दोनों सूख कर ठठरी हो गए। एक दिन नीलामी हुई, उनका कोई खरीददार ना था। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वह अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वह रास्ते उनके आने जाने पहचाने हैं। उनके कमज़ोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नज़दीक था। वह तेजी से भागे और थान पर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा है। वह बैलों को ज़बरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया तथा उसे भगाकर गांव से दूर कर दिया। झूरी ने नादों में खली, घूसा चौकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे को चूम लिया। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा के सारांश के बारे में। हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।